अब आते हैं महाराष्ट्र के अंदर में। महाराष्ट्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के अंदर में कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, ये वाला आ गया हमारा महाराष्ट्र का रीजन। महाराष्ट्र का रीजन आ रहा है। अब यहाँ पे कौन कौन से देखने को मिलेंगे उनको देखेंगे। यहाँ पे आया गुगामल, फिर आया नवेगांव, फिर आया तड़ोबा नेशनल पार्क, फिर आया संजय गांधी नेशनल पार्क। ऊपर हमारे यहाँ पे कौन सा था, संजय नेशनल पार्क, यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद आया गिलबर्ट नेशनल पार्क, फिर आया चंदौली नेशनल पार्क। तो उनके नाम फिर देख लो, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, गिलबर्ट नेशनल पार्क एंड चंदौली नेशनल पार्क। अब आते हैं संजय गांधी के ऊपर। इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कार्बी श्रब है जो 8 साल में एक बार ब्लूम करता है, बहुत अच्छा है देखने के लिए। तो इसको याद रखना है कहाँ पे होता है, और ये 8 भी याद करना, ये 12 साल बोल सकते हैं आपको, 14 बोल सकते हैं। कन्हाई केव है जो बुद्धिस्ट सेंटर है वो देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बेसाल्ट रॉक देखने को मिलेंगे। आपको पता है डक्कन ट्रैप के जो प्लेटू है वो हमारा मेनली बेसाल्टिक है, तो यहाँ पे भी आपको बेसाल्टिक रॉक देखने को मिलेगी। और इसी पार्क को बोरीवली नेशनल पार्क भी बोल दिया जाता है। तो संजय गांधी डन, और तड़ोबा अंधेरी, तो अंधेरी याद रखना है, अंधेरी रिवर है यहाँ पे। और मोहारली और कोलसा रेंज है, ये ना भी याद हो, मतलब ये माउंटेन की रेंज है, ना भी याद हो कोई बात नहीं, अंधेरी याद रखो। फिर आता है गिलबर्ट, ये अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया इसको, तो इस टाइप की बनी हुई है ये पहाड़ी, इसको स्टडी किया तो उसके नाम के ऊपर रख दिया। तो ये मोनोलिथिक है, मतलब एक ही पत्थर से मिलके बनी हुई है, और ब्लैक कलर की है, और बेसाल्ट से मिलके बनी हुई है। बेसाल्ट हमारा लावा का एक टाइप है, उससे मिलके बनी हुई है। महाराष्ट्र के अंदर में टाइगर रिजर्व देखेंगे तो पेंच टाइगर रिजर्व। अब पेंच तो आप बोलोगे यार, पेंच तो मध्य प्रदेश में भी था, तो ये वही वाला पेंच है, थोड़ा बॉर्डर के ऊपर है। तो मतलब मेनली वैसे पेंच को माना मध्य प्रदेश में ही जाता है, लेकिन उसका पार्ट इसमें भी आता है महाराष्ट्र के अंदर में। फर्स्ट टाइम उसको डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के द्वारा, तो इसलिए मध्य प्रदेश में उसको माना जाता है, लेकिन वो इसके साथ में भी है। ओके, तो ये आप ध्यान रखना है, तड़ोबा अंधेरी टाइगर प्रोजेक्ट, सहाद्री टाइगर प्रोजेक्ट एंड नागजीरा नवेगांव, ये याद रखना, बोर टाइगर रिजर्व, इसको भी याद रखना, बाद में मैप से फिर देखेंगे इसको। अब आगे हम वेस्ट बंगाल के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उससे पहले ये वाला जो हमारा रीजन है, हमारा गंगा वाला रीजन है, ये तेराई वाला रीजन आता है। यहाँ पे थोड़ा स्वैम्पी काइंड का, मतलब पानी से भरी हुई चीज़ें देखने को मिलेगी, थोड़े ग्रासलैंड, मतलब काफ़ी हरी भरी मॉइस्ट काइंड का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। इसी के साथ में तेराई के साथ में यहाँ तक आते आते ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो हमारा पार्ट होगा भूटान के साथ जो लगेगा और जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेगा, इस वाले पार्ट को दुआर वाला रीजन बोलते हैं। तो ये तेराई वाला रीजन, ये दुआर वाला रीजन, ये भी कौन सा सवाना टाइप के ग्रासलैंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मीन्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तराई द्वार आपने सुना होगा जब आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पढ़ते हो, तो ये वाला वो रीजन है। द्वार का मतलब है डोर, तो ये एक तरीके का डोर है, किसके लिए, भूटान के लिए, तो इसलिए द्वार वाला रीजन इसको बोला जाता है। ये भी स्वैम्पी स्वैम्पी काइंड का होगा, पानी ठीक ठाक होगा और घने जंगल होंगे यहाँ पे भी। इसमें इस वाले रीजन के अंदर मीन्स ये वाला जो चोंच दिख रही है ऊपर, उसी में हमें मैक्सिमम हमें सब कुछ देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट यहाँ पे हमें सुंदरवन देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे सुंदरवन देखने को मिलेगा, बाकी सब ऊपर मिलेंगे। तो कौन कौन से मिलेंगे, सबसे पहले तो सिक्किम के अंदर कंचनजंगा, तो ये डिफरेंट है, इसको सिक्किम में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये वाला पोर्शन पीछे देख लेते हैं किस पोर्शन की बात हो रही है। ये वाला इस वाले पोर्शन के अंदर सब कुछ है, क्या क्या है, बक्सा टाइगर रिजर्व, ये आ गया बक्सा टाइगर रिजर्व, फिर आ गया जल्दापारा नेशनल पार्क, फिर आ गया हमारा गोरुमारा, फिर न्योरा वैली, फिर सिंगलीला, फिर आया हमारे पास में सुंदरवन नेशनल पार्क। तो इनके नाम याद करने पड़ेंगे, बक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा, गोरुमारा, न्योरा वैली एंड सुंदरवन और सिंगलीला। एक बार फिर इनके नाम देख लो, बक्सा, जल्दापारा, गोरुमारा, न्योरा वैली, सुंदरवन, सिंगलीला। सुंदरवन तो सबको पता ही होता है सुंदरवन कहाँ पे है, बाकी की थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं ये कहाँ पे है। हमारा द्वार रीजन में लोकेटेड है, द्वार जैसा मैंने बता दिया, तेराई द्वार ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाला रीजन है, और ये साल ये वाला रीजन ही पूरा द्वार वाला आ रहा है। तो मतलब याद रखना है किसी के बारे में भी कि ये सारे द्वार रीजन में, तो फर्स्ट आ गया गोरुमारा, सारे द्वार रीजन के अंदर आ रहे हैं ये। यहाँ पे रिवर के नाम याद करने हैं, मूर्ति रिवर और जलधाका रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, वो यहाँ से क्रॉस करती हैं। फिर सिंगलीला आ गया सेकंड, यहाँ पे रेड पांडा जो था, रेड पांडा प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम यहाँ से लॉन्च किया गया था। तो हमें पता है टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से लॉन्च किया गया था, जिम कॉर्बेट से, तो वैसे ही रेड पांडा यहाँ से लॉन्च किया गया था, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। न्योरा वैली की बात करते हैं, न्योरा रिवर है और इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है, इसको एलिगेंट बोला जाता है, लैंड ऑफ एलिगेंट रेड पांडा। रेड पांडा की अगर बात करते हैं तो रेड पांडा हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट में पूरा देखने को मिलेगा, साउथ में नहीं मिलेगा ना नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। इसको हम सेपरेटली देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है,
लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है और इस यहाँ पे मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल देखने को मिलता है, तो इसको बोला जाता है लैंड ऑफ एलिगेंट रेड पांडा। और पांडा तो आपको पता ही होगा कि पांडा बैम्बू के ऊपर फीड करता है, तो उस टाइप का पांडा, उसके बारे में बाद में देखेंगे। चल्दापारा नेशनल पार्क है, टॉर्सा रिवर एंड कालजेनी रिवर। और राइनोसिरस जो होता है इंडिया के अंदर में, जो वन हॉर्न राइनोसिरस है, मैक्सिमम इंडिया के अंदर 90% पूरे वर्ल्ड के इंडिया में मिलते हैं, मेन मिलते हैं काजीरंगा में। काजीरंगा के बाद में सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है जल्दापारा के अंदर में, तो याद करना है। एक बर्ड है बंगाल फ्लोरिकन, वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वो भी यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे एक एलिफेंट कॉरिडोर मिलता है, कॉरिडोर का मतलब दो कोई एलिफेंट रिजर्व होंगे उनके बीच वाला कॉरिडोर। एलिफेंट ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह रहता है, एलिफेंट हो गए, शेर हो गए, ये बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, इनको काफ़ी लंबा एरिया चाहिए होता है, अदरवाइज़ मतलब ये इनके लिए इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है इनको अगर आप कन्फाइन करने की कोशिश करो। तो उसके लिए हमारे पास में चिलपत्ता फॉरेस्ट, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा बक्सा बॉक्स टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व भी है ये और नेशनल पार्क भी है। बॉक्स, अगर बक्सा की बात करते हैं तो बक्सा एक फोर्ट भी है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये फोर्ट जो था भूटान के द्वारा बनाया गया था ताकि वो नज़र रख सकें यहाँ से, मतलब भूटान के लिए गेटवे है, जैसे द्वार है, तो द्वार किस चीज़ के लिए, भूटान के अंदर जाने का एक द्वार है ये, वहीं पे बक्सा फोर्ट बनाया गया था और वहाँ से वो नज़र रखा करते थे। तो क्या याद करना है, बक्सा जो है इसका 100 ऊपर वाला नॉर्थ वाला जो रीजन है उसमें पिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो इंडिया की नहीं है वो है भूटान की, उसके साथ में ये, ओके। तो ये बात ध्यान में रखनी है, जो कि इंटरनेशनल कॉरिडोर की तरह बनाएगा ये, इंडिया के अंदर में अगर कोई हाथी को जाना है या इंडिया के अंदर में कोई टाइगर को जाना है तो वो क्रॉस कर सकते हैं आसपास के एरिया के अंदर में। और यहाँ पे हमें महाकाल केव भी देखने को मिलती हैं, महाकाल मतलब भगवान शिव की केव्स हैं, ठीक है, केव्स होंगी वहाँ पे, लाइमस्टोन वगैरह से मिलके बनी होंगी, उनको पूजा जाता है, वो मिलेंगी। रिवर के अंदर में रेडाक और जयंती रिवर मिलेंगी। फिर आए सुंदरबन, सुंदरबन के अंदर में हमें बंगाल टाइगर मिलेगा, रिवर मेघना, और ये टाइगर रिजर्व भी है, तो बस इसमें कुछ खास हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर में दो टाइगर रिजर्व हैं, एक है बक्सा टाइगर रिजर्व, दूसरा सुंदरबन, तो इनके नाम याद कर लेने हैं। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, ये सिर्फ नाम याद करने हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या ये आ गया छत्तीसगढ़ वाला रीजन, ये ऊपर आ गया झारखंड, और ये आ गया छत्तीसगढ़ वाला रीजन। तो यहाँ पे जो हमारा मध्य प्रदेश के अंदर में संजय नेशनल पार्क है उसका छोटा सा पोर्शन जो है इसके अंदर में भी आता है, और उस छोटे से पोर्शन का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो किसका, संजय नेशनल पार्क है, उसी का पार्ट है वो। उसके अलावा इंद्रावती नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, इंद्रावती और कांगर घाटी नेशनल पार्क, इनको ऐसे ही याद कर लेना, बिकॉज ये एक दो दो होते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इनके नाम ऐसे ही याद कर लेना। फिर छत्तीसगढ़ के अंदर में टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो अचना कमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती एंड सीता नदी टाइगर रिजर्व, तीन टाइगर रिजर्व हैं, इनके नाम याद करने पड़ेंगे। फिर अगर झारखंड में नेशनल पार्क की बात करते हैं तो एक ही है, बेतला नेशनल पार्क, जो कि पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो ये बस नाम याद करना, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और झारखंड के अंदर में एक पलमाऊ टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। फिर उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा में दो हमें देखने को मिलेंगे, एक तो हमने जब हिमाचल प्रदेश हम डिस्कस कर रहे थे तो हिमाचल प्रदेश में हमने डिस्कस किया था सिमलीपाल, जहाँ पे सेम्यूल के ट्री थे, मतलब सिंबल के पेड़ थे, जिनके ऊपर कॉटन होता है, वो रेड रेड कलर के फ्लावर होते हैं, सब्जी भी बनती है उनकी, तो वो जो थे यहाँ पे मतलब ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, इसलिए सिमलीपाल उसका नाम है। तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा सिमलीपाल, ये आ गया हमारा उड़ीसा वाला रीजन, ये नीचे आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश को हम बाद में देखेंगे। आंध्र प्रदेश में पप्पीकोंडा है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, उसको सेपरेट देखेंगे। उड़ीसा को देखो, भीतरकनिका सबको पता होता है कहाँ पे प्रेजेंट है, सिमलीपाल सेम्यूल का पेड़ मिलता है, इसके नाम के ऊपर इसका रख दिया गया है, मतलब यहाँ पे काफ़ी अबंडेंट मात्रा में वो मिलेगा। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में क्या याद करना है, सिमलीपाल नेशनल पार्क एक तो उड़ीसा के अंदर प्रेजेंट है, ये टाइगर रिजर्व भी है, वो भी याद करना, प्लस ये किसका पार्ट है, एक सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व है एक बहुत बड़ा, उसके अंदर में तीन प्रोटेक्टेड एरिया आएंगे, एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आ जाएगा, ठीक है, दूसरा हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी, तीसरा कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी, तो ये तीनों उसको बनाएंगे, मतलब एलिफेंट का रिजर्व है ये, एलिफेंट मिलेंगे इसमें, पूरा एलिफेंट घूमेंगे, उसी का पार्ट आता है ये नेशनल पार्क भी, तो एलिफेंट रिजर्व बड़ा है, नेशनल पार्क यहाँ पे छोटा है, एलिफेंट रिजर्व छोटा भी हो सकता है नेशनल पार्क से, वो अपनी इच्छा है इनकी। यहाँ पे वाटरफॉल मिलेगा जिसका नाम है जोरंडा एंड बरहापानी, इनके नाम भी याद कर लेना थोड़े, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन सा वाटरफॉल मिल रहा है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब यहाँ से बाहर आपको हार्डली कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो पहले तो नाम याद करो कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बाद में फिर बाकी चीज़ें याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है भीतरकनिका, तो भीतरकनिका क्या है, भीतर मीन्स अंदर, बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके बारे में,
यारा है, तो ये कोस्ट के ऊपर है, यहाँ पे चिलिका लेक भी है, तो ये कोस्ट के ऊपर है और ये कोस्ट से थोड़ा अंदर है, तो मतलब भीतर, भीतर मीन्स अंदर, और कनिका मीन्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आइलैंड टाइप भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल देखने को मिलते हैं जो कि वल्नरेबल हैं, और उनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ चीज़ें हैं जो बाद में देखेंगे। गरही माता बीच के पास में, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मतलब जहाँ पे वो अंडे वगैरह देते हैं, वो यहाँ पे एरिया आता है, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी होता है, वाइट वाइट कलर का एक बड़ा लंबा लंबा, 7-7 मीटर से भी बड़े बड़े लंबे लंबे हमें क्रोकोडाइल देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और रिवर ब्रह्माणी, बैतरानी, धामरा रिवर एंड पटशाला, इसमें अगर आपको बोला गया कि कौन सा नेशनल पार्क हमारा ब्रह्माणी बैतरानी रिवर, उनके कन्फ्लुएंस के ऊपर सिचुएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए भीतरकनिका। और अगर बात करेंगे टाइगर रिजर्व की, तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे गुजरात के अंदर में, गुजरात के अंदर में, तो गुजरात में कौन कौन से एरिया के अंदर में हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे आ रहा है मैरीन नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क आ रहा है गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर में, और गल्फ ऑफ खंबत के अंदर में 3, गिर नेशनल पार्क ओके, और ब्लैक बक नेशनल पार्क और वनसंदा नेशनल, ठीक है। तो अब आ गया गिर, ये वाला रीजन आ रहा है, और हमने गिर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, गिर के अंदर में हमें देखने को मिलेगा एशियाटिक लायन, सबसे इंपॉर्टेंट एशियाटिक लायन का लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है, तो यहीं पे मिलते हैं, ड्राई डेसिडस टाइप का ये रीजन है, ठीक है। और कमलेश्वर डैम मिलेगा यहाँ पे, उसके अलावा भी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मिलेंगी, कैट वुमेन फीमेल फॉरेस्ट गार्ड। तो एक्चुअल में बात यह है कि यहाँ पे जो हमारे एशियाटिक लायन है इनको बचाना पड़ता है, छोटे बेबीज होते हैं इनके, उनको बचाना पड़ता है। उसके लिए 2007 के अंदर में नरेंद्र मोदी जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कि हम क्या करेंगे, फीमेल को रिक्रूट करेंगे एज अ फॉरेस्ट गार्ड। उससे पहले फीमेल को रिक्रूट नहीं करते थे, मेल ही मेनली डोमिनेट करते थे, मतलब फीमेल इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा मतलब कोई सपोर्ट की बात है वहाँ पे, कोई छोटे मोटे बेबीज़ हैं जैसे एशियाटिक लायन के, किसी और के बेबीज़ हैं उनके, उनको वहाँ से पकड़ के लेके आना, अदर काम सेंसस वगैरह के अंदर में हेल्प करना, तो बेसिकली मतलब फॉरेस्ट गार्ड हैं जो पूरा काम करते हैं, वो पोचिंग वगैरह से बचाना, इलीगल तरीके से बचाना। उसके लिए इन्होंने क्या किया, वहाँ के आसपास की ट्राइबल थी, मुस्लिम ट्राइब हुआ करती थी, वहाँ की जो वोमेन थी उनको वो लेके आए, इसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेज भी मिली उसके लिए। तो 2007 के अंदर में वो लेके आए और उनको कैट वोमेन बोला गया, कैट हमारा एशियाटिक लायन और वोमेन मतलब उनकी केयर करनी थी, उनको फॉरेस्ट और जो भी मतलब गन वगैरह थी उनके पास में पूरी केयर करनी थी। तो आपको बोलना है कैट वोमेन कहाँ की फेमस है, कहाँ की बात हो रही है, तो बात हो रही है हमारी गुजरात की। ट्राइब मिलती है यहाँ पे एक मालधारी जिनको बोला जाता है, उन्होंने भी मतलब ये एशियाटिक लायन वगैरह एंड ब्लैक बक वगैरह उनकी प्रोडक्शन में काम किया हुआ है, तो वो ध्यान रखना है। और शेत्रुंजनी रिवर और सरकला रिवर यहाँ पे देखने को मिलती है, दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक लायन और कैट वोमेन। उसके अलावा ब्लैक बक, ब्लैक बक के बारे में आपको पता होगा कि ब्लैक बक को सलमान खान को इसके लिए सजा हुई थी, ब्लैक बक को मारने के लिए, और ये हमारे शेड्यूल वन में ऑर्गेनिज्म आता है, एंडेंजर्ड है, देखेंगे बाद में इसके बारे में क्या क्या है, लेकिन ब्लैक बक उससे नाम पड़ा हुआ है। इस नेशनल पार्क को वल्वदार भी बोल देते हैं, गल्फ ऑफ खंबत के अंदर है ये, यहाँ पे ग्रासलैंड है उसका नाम है विदी, तो आपको याद रखना है नार ग्रासलैंड कहाँ की बात की जा रही है, बुग्याल कहाँ की बात की जा रही है, विदी कहाँ की बात की जा रही है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एनिमल ब्लैक बक देखने को मिलता है जो कि लिस्ट कंसर्न है। नेक्स्ट आता है वनसंदा, वनसंदा नेशनल पार्क, और गिर यहाँ पे आ गया, ठीक है, और मैरीन यहाँ पे आ गया, तो उसको प्रोटेक्ट करने, अब ये यहाँ इस लोकेशन के ऊपर है, मतलब वेस्टर्न घाट के अंदर आ रहा है, और वेस्टर्न घाट के अंदर सहाद्री रेंज है यहाँ पे, उसके अंदर आ रहा है ये, रिवर अंबिका फ्लो करती है यहाँ से, और यहाँ पे बात आपने याद रखनी है, ये वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है DANG, अब जैसे बोलेंगे इसको डांग या जैसे भी, DANG फॉरेस्ट, ये वाला एरिया, और यहाँ पे जो भगवान हनुमान है उनका बर्थ प्लेस भी माना जाता है, अंजनी कुंड है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे उनकी बर्थ हुई थी, और उसी के साथ में मतलब काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया भी है और काफ़ी पॉपुलर एरिया भी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। तो यहाँ पे वनसंदा नेशनल पार्क तो मिलता ही है, साथ में पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलती है और शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलती है, तो इनके नाम भी याद रखना, साथ साथ में हो रहे हैं जिनके नाम हो रहे हैं, जैसे कैटरीना घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वैसे नाम याद हो रहे हैं तो अच्छी बात है, पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आता है मैरीन नेशनल पार्क, अब मैरीन है तो मतलब ये पानी के अंदर है, 42 आइलैंड होंगे इसके अंदर में, 42 आइलैंड होंगे ये, ठीक है, और सबसे बड़ा आइलैंड जो सबसे अच्छा जाना जाता है यहाँ पे उसको बोलेंगे पिरोतन आइलैंड, ओके, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर में। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कोरल तो मिलते ही आ जाएगा, सी एनीमोन, जेलीफिश, इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, अभी ये क्या चीज़ है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगीज मीन्स पुर्तगीज कंट्री, पुर्तगाल, मैन ऑफ वॉर मतलब ये कुछ नई बात आ गई, तो पूछा जा सकता है इसके बारे में कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कहाँ पे मिलता है, तो एक तो ये मिलता कहाँ पे है,
इंडियन ओशियन में भी मिलेगा, अटलांटिक में भी मिलेगा, है क्या? छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये है, ब्लू ब्लू कलर का दिखने को मिलेगा। और ये है क्या? कोरल क्या होते हैं? कोरल होते हैं छोटे छोटे पोलिप से मिलके बने होते हैं, पूरी मतलब एक कॉलोनी बनी होती है। तो मींस फाइलम नीडेरिया से, जो कि इनवर्टिब्रेट है, मतलब इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, और नीडेरिया फाइलम है। नीडेरिया फाइलम के अंदर में हमारा कोरल भी उसी के अंदर आता है। कोरल मिलके बना होता है पोलिप से, और वो भी नीडेरिया फाइलम में आता है। मतलब क्या है? ये एनिमल है। एनिमल है या प्लांट है? ये एनिमल है। वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है? इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट के अंदर में भी ये कॉलोनी में रहने वाले हैं। कॉलोनी में रहने वाले कुछ होते हैं सोलिटरी, जो अब एकदम इकट्ठे नहीं रहते। ये वाले जो होते हैं वो हजारों की संख्या में कॉलोनी के अंदर रहते हैं, जैसे पोलिप रहते हैं, कोरल रीफ बनाते हैं, वो भी साथ में, ये भी साथ में रहते हैं, तो कॉलोनी बनाते हैं ये वाले एनिमल। कार्निवोरस हैं, मतलब ये ऐसा नहीं कि हर्बीवोरस हैं, कोई फाइटोप्लैंक्टन नहीं खाते, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। और इंडियन अटलांटिक ओशियन में मिलते हैं। ऐसा बोलेंगे सिर्फ इंडिया में मिलेंगे? नो। नाम क्यों है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर? पुर्तगाल की बड़ी बड़ी शिप हुआ करती थी, जो वॉर के लिए हुआ करती थी, ब्रिटिशर उनको बोला जाते थे कि ये जो शिप्स हैं उनको मैन ऑफ वॉर बोला जाता था उनके द्वारा, तो उसके नाम के ऊपर पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। और ये रेप्लिकेट मतलब उसकी तरह दिखता है, जो उनकी शिप्स हुआ करती थी बड़ी बड़ी 16 सेंचुरी के अंदर में, जिसको ब्रिटिशर बोला जाते थे, बोलते थे मैन ऑफ वॉर, तो ये उनको रेप्लिकेट करती थी, इसलिए इसका नाम भी वो रख दिया। ठीक है, ब्लू थ्रोट, ब्लू ब्लू कलर की है तो ब्लू बोटल तब बोला जाता है। और फ्लोटिंग टेरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें क्या होता है, स्टिंगिंग टेंटिकल होते हैं। निडेरिया फैमिली की एक खासियत होती है, इनके अंदर में क्या होता है, नेमेटोब्लास्ट होते हैं। मीन्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर में जहरीला टाइप का होता है, टॉक्सिन ये रिलीज करते हैं, जब किसी से टच करेंगे तो टॉक्सिन छोड़ेंगे, तो ह्यूमन बींग को भी अफेक्ट कर लेते हैं ये काफ़ी एरिया में, तो इनको फ्लोटिंग टेरर भी बोला जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें थी हमारी, रिलेट कर रही थी। सेंट्रल इंडिया डिस्कस कर लिया, नॉर्थ इंडिया डिस्कस कर लिया, अब हम नॉर्थ ईस्ट डिस्कस करेंगे, साउथ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।